नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शरण। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलट गया है। ट्रक में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से ट्रक जलकर खाक हो गया है। भयंकर आग के चलते लखनऊ बरेली नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शाहजहांपुर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ट्रक जलकर खाक हुआ है। द बर्निंग ट्रक की तस्वीरें शाहजहांपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर किस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बेकाबू होकर ट्रक पलटा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें शाहजहांपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से धू धू कर ये पूरा ट्रक जल गया है। ट्रक में भीषण आग की तस्वीरें शाहजहांपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। इधर गाजियाबाद में आज फर्नीचर के गोडाउन में भीषण आग लग गई है। आग से बाजार में अफरा तफरी मच गई। गोदाम के पास ही पटाखों का गोदाम है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। तो प्रदेश में अलग अलग जगह आग लगने से आज हड़कंप मच गया। पहले हमने आपको शाहजहांपुर की तस्वीरें दिखाई और अब ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं, और दो तस्वीरों के जरिए हम आपको इन दोनों आग की घटनाओं को दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में फर्नीचर के गोदाउन में आग लग गई, तो वहीं शाहजहांपुर में भी ट्रक धू धू कर जल गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और झांसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर BMW कार में भीषण आग लग गई। भैंसों से टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। भीषण टक्कर से दो भैंसों की मौत भी हो गई। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें हम आपको झांसी से दिखा रहे हैं। तो झांसी की तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरह से BMW कार में भीषण आग लगी। भैंसों से टक्कर हुई और उसके बाद कार में भीषण आग लग गई और पूरी कार जलकर खाक हो गई। दो भैंसों की मौत हुई है। कार सवारों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। बढ़ते आगे, यूपी में उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए संतोषजनक और सपा के लिए उम्मीद से ज्यादा साबित हुए। कांग्रेस और BSP का चुनाव में खाता तक नहीं खुल पाया। क्या कुछ रहा चुनाव परिणामों में, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में नतीजों की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। इन 11 सीटों में से जिस सीट पर सबकी खास नजर थी, वो सीट थी रामपुर, जहां सपा सांसद आजम खान की इज्जत दांव पर थी। आजम खान के इस किले को बीजेपी भेद नहीं पाई, तो वहीं लखनऊ कैंट सीट पर बीजेपी के दिग्गज सुरेश तिवारी ने दिलप्रीत सिंह, आशीष चतुर्वेदी जैसे युवाओं को चुनाव हरा कर बीजेपी का झंडा लहरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास की भावना को भारत की राजनीति का एक मंत्र बन चुका है, और इसके अनुसार आम जन के बीच में हर राजनीतिक दल अपने मुद्दों के साथ गया है। मैं जीते हुए अपने सभी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी द्वारा जो देश हित, जनहित, समाज हित में जो अभूतपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके कारण माननीय मोदी जी के प्रति जनता की अगाध श्रद्धा है, और इसीलिए हम चुनाव जीते हैं। कानपुर की गोविंद नगर सीट पर करिश्मा ठाकुर कोई करिश्मा नहीं कर पाई, और खांटी भाजपाई सुरेंद्र मैथानी ने करिश्मा ठाकुर को चुनाव हरा कर अपने नाम के आगे विधायक जुड़वा लिया। हालांकि कानपुर में कांग्रेसियों ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। जीत का गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में पूरा का पूरा श्रेय जनता को और मेरे कार्यकर्ताओं को है, जिन कार्यकर्ताओं ने प्राणपण से मेहनत करके और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, योगी जी के आभारी हैं इस बात के कि उनकी जन कल्याणकारी नीतियां जनता पसंद कर रही है। बाराबंकी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गौरव रावत ने बीजेपी को हराकर सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी। उत्तर प्रदेश में अब ये जो जुल्मी सरकार है, जो हर उस पे नाकाम हुई है, चाहे कानून हो चाहे उसको अब सोचना पड़ेगा। अगर क्या नाम है उसको समझ ले, उसका बुरा वक्त चालू हो गया। प्रतापगढ़ सदर सीट से बीजेपी समर्थित अपना दल प्रत्याशी ने जीत दर्ज करके अपनी जीत को जनता की जीत बताया। लोगों से मेरा निवेदन था कि अगर एक गरीब किसान के बेटे को आप चुनाव जिता कर भेजेंगे विधानसभा में, तो मैं उस अंतिम पायदान बैठा व्यक्ति, जो मेरी गरीबी को मैंने खुद को देखा है, मैं उस गरीब व्यक्ति के लिए कार्य करने के लिए पूरा भरसक कोशिश करूंगा।
अलीगढ़ की इगलास सीट से भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सहयोगी ने इगलास में विरोधियों को करारी शिकस्त दी। वहीं अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। उपचुनाव के नतीजों को अगर देखें तो नुकसान बीजेपी का हुआ है, फायदा समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस के पास न पहले कुछ था और न आज कुछ हासिल हुआ, तो वहीं बीएसपी को एक सीट का नुकसान हो गया। इन 11 सीटों में से बीजेपी के पास 2017 में 9 सीटें थी, लेकिन इस बार उसे सिर्फ 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। तो वहीं सपा एक से बढ़कर 3 पर आ गई और मायावती के हिस्से में एक बार फिर 0 आया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर यूपी की सभी 11 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आपको दिखाते हैं किस सीट पर किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। यूपी में हुए 11 सीटों के उपचुनाव का संग्राम अब पूरी तरह से खत्म हो गया। नतीजों में सहारनपुर की सीट पर भाजपा प्रत्याशी कीरत सिंह ने जीत दर्ज की और चौधरी इंद्रसेन को चुनाव हराया। तो वहीं चित्रकूट की मानिकपुर सीट पर आनंद शुक्ला ने जीत दर्ज की और यहां निर्भय पटेल को हार का सामना करना पड़ा। मऊ की घोसी सीट पर विजय राजभर ने जीत दर्ज की और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह चुनाव हार गए। लखनऊ कैंट से बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और दिग्गज नेता सुरेश तिवारी ने जीत दर्ज की, यहां पर सपा के आशीष चतुर्वेदी चुनाव हार गए। बहराइच की बलहा सीट पर बीजेपी की सरोज सोनकर ने जीत दर्ज की, तो वहीं प्रतापगढ़ में बीजेपी समर्थित और अपना दल के प्रत्याशी राजकुमार पाल ने चुनाव जीता। रामपुर की सीट पर आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर थी, इस सीट पर उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने जीत दर्ज की। तो वहीं अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई, यहां सुभाष राय ने छाया वर्मा को चुनाव हरा दिया। बाराबंकी की जैतपुर सीट भी सपा के खाते में गई, गौरव रावत ने बीजेपी के अम्बरीश रावत को चुनाव हरा दिया। अलीगढ़ की इगलास सीट पर चुनाव बेहद रोचक रहा, यहां बीजेपी के राजकुमार सहयोगी ने अभय कुमार को चुनाव हरा दिया। इधर चुनाव के नतीजों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सभी कार्यकर्ताओं के हृदय से बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसी तरह संगठन और सरकार मिलकर दोनों लोग जनता की सेवा करना और जनता के कल्याण के लिए काम करना और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक इसी तरह पहुंचाना, इसी प्रकार हम लोग रात दिन लगे रहेंगे। समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताया है और जहां भी हमारे बहुत मामूली वोटों से लोग हारे हैं वो सत्ता बल के दबाव में, तमाम दबाव में लोगों को धमकाया गया, प्रधानों को, कोटेदारों को, कार्यकर्ताओं को तमाम नज़रबंद किया गया है, उससे इन लोगों ने ये जो 5-6 सीटें पाई हैं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को तो पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है। इधर उपचुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। रंगों में हमारा प्रत्याशी जीत रहे थे और उनको बाहर निकाला गया काउंटिंग सेंटर से, बार बार डीएम साहब को फोन आ रहे थे। हमारी मांग है कि इसकी जांच की जाए, कि निर्वाचन आयोग इसकी निष्पक्षता से जांच की। मैम, वोट शेयर यूपी में काफी अच्छा रहा है इस बार? जी, इस बार दुगना हुआ है, शायद दुगने से भी ज्यादा हुआ है। हरियाणा मैम काफी अच्छा कांग्रेस ने किया, इससे हमें बहुत खुशी है क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे संगठन की थोड़ी सी उपलब्धि है। हरियाणा के लिए क्या कहेंगे मैम? बहुत खुशी है हरियाणा पर भी, महाराष्ट्र पर, हरियाणा पे तो बहुत खुशी। अभी मैंने वैसे मैं व्यस्त थी अंदर, मैंने अभी लेटेस्ट निर्णय नहीं देखे, लेकिन बहुत खुशी है दोनों पे बहुत खुशी है। और हमें इस बात पे भी खुशी है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारा वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है। इधर उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक चेहरा है जो इस जीत का नायक है, जिसने बीजेपी को खाते में 7 और अपना दल के खाते में भी 1 सीट ला दी, तो वो है योगी आदित्यनाथ। देखिए रिपोर्ट। यूपी में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7 और उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने सपा को 3 सीटों पर समेट दिया तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने दिया। वहीं बीएसपी के खाते से 1 सीट छीनकर मायावती को फिर शून्य पर खड़ा कर दिया। इस जीत के लिए योगी ने पीएम मोदी तो वहीं स्वतंत्र देव ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। प्रधानमंत्री
मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास की भावना को भारत की राजनीति का एक मंत्र बन चुका है और इसके अनुसार आम जन के बीच में हर राजनीतिक दल अपने मुद्दों के साथ गया है। मैं जीते हुए अपने सभी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इसी तरह संगठन और सरकार मिलकर दोनों लोग जनता की सेवा करना और जनता के कल्याण के लिए काम करना और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक इसी तरह पहुंचाना, इसी प्रकार हम लोग रात दिन लगे रहेंगे। इस जीत का अगर कोई नायक है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। जीत का सहरा अगर किसी के सिर बंधा है तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। 11 सीटों के लिए योगी ने प्रचार की कमान संभाली, घंटों लखनऊ में बैठकर काम और उसी के बीच रोज 2 से 3 जनसभाएं। कानपुर, लखनऊ, मऊ, रामपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, जहां जहां चुनाव था उस हर जगह योगी पहुंचे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, प्रत्याशियों को ताकत दी और बताया कि आपका नेता आपके बीच है, आपके साथ है। योगी को अपने बीच पाकर प्रत्याशी और कार्यकर्ता दोनों जोश से भर गए और इसका परिणाम हुआ यूपी में बीजेपी ने 11 में से 8 सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस और बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया। पूरे चुनाव में योगी ने खुद मॉनिटरिंग की, एक एक सीट का हाल वहां के प्रभारी मंत्री, जिलाध्यक्ष और प्रत्याशी से खुद लेते रहे। चुनाव जीतने के लिए योगी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जनता ने भी योगी सरकार के कामकाज और 2.5 साल के विकास कार्यों पर मुहर लगाकर बता दिया कि जनता को प्रदेश के कर्मयोगी सन्यासी पर, यशस्वी मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। सीएम बनने के बाद योगी ने सबसे पहले नगर निगम चुनाव में भगवा पताका फहराया था और उसके बाद एक बार फिर अग्नि परीक्षा में खुद को साबित किया। योगी ने बता दिया कि वो प्रदेश के असली नायक हैं, जनता के नेता हैं और जनता के दिलों पर उनका राज है। योगी के कर्मयोग के सामने विरोधी धड़ाम हो गए। जनता ने भी ये बता दिया कि उसे अपने सीएम पर विश्वास है और गर्व भी। ये जीत योगी के रणनीतिक कौशल, नेतृत्व और योग्यता को एक बार फिर प्रमाणित कर गई कि बीजेपी के लिए योगी संकट मोचक हैं। योगी का चेहरा प्रदेश में सबसे बड़ा और लक्ष्य कोई भी हो बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि योगी हैं तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह और बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके आवास पर जाकर उपचुनाव में जीत की बधाई दी। उपचुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। उपचुनाव में नंबर वन पार्टी बनकर उभरने पर सुनील बंसल ने सीएम योगी को जीत की बधाई दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आजम खान पर खूब मुकदमे दर्ज हुए, एफआईआर हुई, लेकिन रामपुर की जनता के दिलों में घर बनाकर बैठे आजम खान को बीजेपी हिला भी नहीं पाई। रिपोर्ट देखिए। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। आजम के आंसू सियासत के लिए, हुकूमत के लिए, हुक्मरानों के लिए, गद्दी नशीनों के लिए खतरा बन जाएंगे। इसका अंदाजा ना तो सत्ता को था, ना ही सरकार को और ना ही बीजेपी संगठन को। सबको यही लग रहा था कि हमने जिस तरह से आजम की इमारतों पर बुलडोजर चलाया है, वैसे ही हमने रामपुर में आजम के राजनीतिक किले को भी जमींदोज कर दिया। लेकिन आजम ने बता दिया कि वो रामपुर की सियासत की सरजमी की नींव के वो पत्थर हैं जिसके बुनियाद पर रामपुर की राजनीति चलती है। पहले आजम ने जयाप्रदा को शिकस्त दी और उसके बाद जब एक एक करके आजम पर मुकदमे लिखे गए, लगातार एफआईआर दर्ज हुई, वारंट जारी हुए, गेट पर सिर्फ और सिर्फ नोटिस नजर आ रही थी, आजम खान को फरार बताया जा रहा था, उसी वक्त रामपुर में उपचुनाव का ऐलान हुआ तो सियासी मंच से अपनी तकरीरों में आजम दहाड़े मार मार कर रोए। आजम ने अपना दर्द आवाम के सामने बयां किया।
मुझे मार दो ताकि चुनाव से पहले ये किस्सा ही खत्म हो जाए। मेरा जीना इस जमीन के लिए बोझ बन गया है। मेरी वजह से गरीब सताए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगा ये चुनाव मुझे मार के खत्म कर। अगर ये वैश्विक लोगों की जिल्लतों का नतीजा है तो इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। अगर ये इलेक्शन इंसानों की जान की कीमत पर लड़ा जा रहा है तो इस इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी जमहूरियत की भी कोई जरूरत नहीं है। ये वो तकरीर थी जिसने बीजेपी को भी तनाव दे दिया था। आजम को चुनौती देने के लिए जब सूबे के मुखिया रामपुर आए तो उन्होंने भी जमकर हमला बोला और उसके बाद रामपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कमान संभाली और आजम खान ने भी अपने आंसुओं के साथ अपील की। बल्कि 22 किलो वजन घटाकर तुम्हारे सामने आ चुका है। आजम का संघर्ष करो, आजम का संघर्ष करो। रामपुर के उपचुनाव में आजम खान की पत्नी चुनाव जीत चुकी हैं। इसी के साथ आजम खान ने बता दिया कि कम से कम रामपुर की राजनीति में वो अजेय हैं और आजम खान को यहाँ हिला पाना किसी भी हुकूमत के लिए आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर रामपुर में सपा प्रत्याशी की शानदार जीत के बाद सपा सांसद आजम खान ने अपनी पत्नी तंजीन फातिमा के साथ रोड शो निकाला। रामपुर से सपा ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को चुनाव मैदान में उतारा था और आजम ने धुआंधार प्रचार किया था। तंजीन फातिमा ने बीजेपी प्रत्याशी को करारी मात दी है। तो रामपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सपा प्रत्याशी की जीत के बाद किस तरह से रोड शो निकाला गया। नोटबंदी का जवाब चाहिए, लोगों को बेरोजगारी का हिसाब चाहिए, लोगों को लाकानूनियत का हिसाब चाहिए, अनगिनत बलात्कार और अनगिनत हत्याओं का हिसाब चाहिए। हर शरीफ आदमी, हर बेगुनाह गैर महसूस है, इसका हिसाब चाहिए। जाओ आज आपके बीच फिर एक बात कहता हूं, इंशाल्लाह 2022 में तुम्हारी फिर सरकार आएगी। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से आज मुलाकात की है। सपा ने उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है जिसको लेकर मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को बधाई दी है। मुलायम ने अखिलेश को जन्मदिन की बधाई। तस्वीरें हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं जहां पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। आज उपचुनाव के नतीजे आए हैं, सपा ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है जिसके बाद मुलायम सिंह से मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उनका ट्वीट सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि बीएसपी के लोगों का मनोबल गिराया गया है, षड्यंत्र के तहत बीजेपी ने सपा को जिताया, बीएसपी को एक सीट भी नहीं जीतने दी गई, पार्टी के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, सिर्फ षड्यंत्र को फेल करने के लिए अब जुटेंगे। और प्रयागराज से खबर है जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने यह निर्देश दिया है, कुर्की की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 2008 में आरपीएफ ने एफआईआर दर्ज कराई थी। कुशीनगर के कप्तानगंज में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लल्लू पर तमकुही में ट्रेन रोकने का आरोप है। लल्लू ने समर्थकों के साथ ट्रेन रोकी थी। रेल आवागमन बाधित करने पर एफआईआर हुई थी। ट्रेन रोकने के मामले में वारंट जारी हुआ था। कोर्ट में पेश न होने पर अब एनबीडब्ल्यू जारी हुआ। एनबीडब्ल्यू के साथ ही कुर्की के कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। इधर फतेहपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने विवादित बयान दे दिया। मंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी में सबको रोजगार संभव नहीं है। ओडीओपी प्रदर्शनी के आयोजन में शामिल होने पहुंचे मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने बयान देकर सबको चौंका दिया। सबको रोजगार मिलना, नौकरी मिलना,
इस बढ़ती हुई आबादी में, बढ़ती हुई जनसंख्या में ये संभव नहीं है। लखनऊ से खबर है जहां पर कमलेश तिवारी हत्याकांड के मामले में दोनों हत्यारोपी पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं। अशफाक मोइनुद्दीन 2 दिन के रिमांड पर हैं। कमलेश तिवारी हत्याकांड के ये दोनों आरोपी हैं। 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक रिमांड पर हैं। रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ भी होगी। लखनऊ से ही खबर है जहां पर टेरर फंडिंग मामले में बैंक अकाउंट हैकर अरेस्ट हुआ है। मास्टरमाइंड नाइजीरियन चीन बेउआ गिरफ्तार किया गया है। दो नाइजीरियन समेत 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। मास्टरमाइंड नाइजीरियन चीन बेउआ को गिरफ्तार किया गया है। नाइजीरियन पीटर हरमन असेंगा भी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय अर्जुन अशोक खराडे को गिरफ्तार किया गया है। यूपीटीएस ने तीनों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। बैंक अकाउंट हैक कर इन्होंने करोड़ों रुपए निकाले थे। नेपाल के राष्ट्र बैंक का अकाउंट हैक किया था। तीनों आरोपियों को लखनऊ अब यूपीटीएस लाएगी। यूपीटीएस ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें लखनऊ लेकर आएगी। इधर कानपुर देहात में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरे अध्यापक ने छात्रा को गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। छात्रा सैफई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही। मंगलपुर थाना क्षेत्र में अभी कुछ देर पहले एक सूचना मिली है कि एक लड़की है जिसको गोली लगने से घायल हो गई है। और अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि इनके स्कूल में जो टीचर है उसने ये कृत्य किया है। हालांकि अभी तहरीर आनी बाकी है। लड़की को मेडिकल उपचार के लिए भेजा जा रहा है और इन्हें निकाल दी गई है, पुलिस की जा रही है और आगे जो कार्रवाई होगी उसके बारे में। इधर मुजफ्फरनगर से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 10,000 का इनामी बदमाश शादाब घायल हुआ है। तमंचा कारतूस समेत बाइक भी बरामद की गई है। मुठभेड़ में सिपाही अमित कुमार भी घायल हुए हैं। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सिंघावली बाग का पूरा मामला है। अगली खबर हरदोई से है जहां पर भारत समाचार की खबर का असर हुआ है। 700 बोरी सरकारी अनाज मिलने के मामले में गल्ला कारोबारी पर 2,00,000 का जुर्माना लगा है। मंडी प्रशासन ने 2,00,000 का जुर्माना लगाया है। मंडी समिति को गुमराह करने पर जुर्माना लगाया गया है। शाहबाद मंडी में व्यापारी ने यह खेल किया था। तो हरदोई से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर भारत समाचार की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। हरदोई से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 700 बोरी सरकारी अनाज मिलने के मामले में ये कार्रवाई की गई है, जुर्माना लगाया गया है। बड़ी खबर हम आपको हरदोई से बता रहे हैं। इधर जालौन में नकाब पोश बदमाशों ने घर को निशाना बनाते हुए डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बैखौफ बदमाशों ने घर के मालिक समेत महिलाओं को भी बंधक बनाया और उनकी जमकर पिटाई कर, जिसके बाद वो घर में रखी नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। ये रात में लगभग 2-3 बजे के आसपास चतेला गांव में कुछ लोग घर में जो कुंडा लगा होता है उसको काट के घुस गए और इन्होंने इनके घर में कुछ सामान उठा लिया और इनके साथ मारपीट भी की। और यहाँ पे जिस तरह से घटना हुई है लग रहा है कि कोई आसपास के ही लोग हैं। इधर बुलंदशहर में फौज में भर्ती के लिए युवक का चयन होने पर वेरिफिकेशन के नाम पर दारोगा ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी और नदिन पर गलत रिपोर्ट लगाने की धमकी दी तो युवक ने दारोगा का वीडियो बना लिया, जिसके बाद एसएसपी ने भ्रष्टाचार के आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया। वीडियो देखने के बाद प्रथम दृष्टया पाया गया कि इसमें प्रस्तुत प्रकरण में जो सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार हैं इनकी सत्यनिष्ठा डाउटफुल है और निश्चित तौर पर इनका यह आचरण पुलिस की छवि और गरिमा दोनों को गिराने वाला है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण की जांच क्षेत्र अधिकारी को सौंपी गई है। इधर ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर कबाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 100 टीमें बनाकर 603 कबाड़ियों के गोदाम पर चेकिंग अभियान चलाकर 18 कबाड़ियों को गिरफ्तार किया। जनपद के कबाड़ी जो है 603 कबाड़ी उसकी आकस्मिक रूप से उसमें चेकिंग की गई। 8 घंटे का अभियान था। इसमें कई कबाड़ियों पे चोरी का माल बरामद हुआ, वाहनों के कटे हुए इंजन बरामद हुए, 4 इंजन बरामद हुए, 26 दो पहिया वाहन और 4 पहिया चोरी के वाहन बरामद हुए, 2 कुंतल सरिया बरामद हुआ। तो इस प्रकार से काफ़ी इसमें अच्छी बरामदगी हुई है। टोटल 18 एक्यूज पकड़े गए हैं 8 घंटे के ड्राइव में।
इधर मिर्जापुर पुलिस ने प्रतिबंधित गांजा की तस्करी करने वाले गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 120 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई। तस्करी में प्रयुक्त इनोवा कार को भी जब्त कर लिया गया है। की सर्विलांस टीम और चुनार पुलिस ने अपने मुखबिर के माध्यम से इसको ट्रेस किया और ट्रैक किया। जो गिरफ्तारी हुई है दो अभियुक्तों की, कृष्णा गाड़ी के साथ 4 लाख कीमत के लगभग 4 बोरे गांजे के साथ एक अभियुक्त सुहास की गिरफ्तारी से। इधर शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर धान खरीद में धांधली को लेकर किसान यूनियन ने आज जमकर हंगामा किया। किसान यूनियन का आरोप है कि सरकारी खरीद सेंटर पर किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा। भारतीय किसान यूनियन देश भर में आंदोलन कर रही है कि जो जो विदेशी लोगों से जो इनके समझौते हो रहे हैं, इनके ऊपर इनके दस्तखत ना किए जाए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में आज आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन जारी रहेगा। गोंडा से खबर है, जहां पर छात्रों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। सड़कों पर लेट कर गोंडा अयोध्या मार्ग जाम किया है। कॉलेज प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। बिना ड्रेस के स्कूल में प्रवेश ये छात्र चाह रहे थे। महाविद्यालय ने नियमों के तहत एंट्री करने की बात कही। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गेट पर छात्रों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। इधर आईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने कहा है कि दिवाली को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस के आला अफसर खुद सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को भी इसमें अलर्ट पर रखा गया है और जगह जगह पर सावधानी और सतर्कता इसमें बरती जा रही है। बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अन्य सभी जगहों पर एंटी सबोटाज चेकिंग की व्यवस्था रहेगी। पुलिस लगातार भ्रमणशील रहेगी और जो आतिशबाजी और के संबंध में जो सेफ गार्ड्स हैं उन सबको पूरी तरीके से। इस साल दिवाली बेहद खास है। इस बार दीपोत्सव बेहद खास तरीके से मनाया जाएगा, क्योंकि सुबह का मुखिया योगी आदित्यनाथ 24 अक्टूबर को एक बार फिर त्रेता युग के उसी भवनों को अलग अलग तरह से दोहराने जा रहे हैं। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोर पर समाप्त करना है। तो भारत समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए टॉप 15। नमस्कार।